हम फिलहाल बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में हैं। चनपटिया में एक स्टार्टअप यहाँ आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर करीब 57 उद्यमियों को जो लोकल लेवल पे काम करते थे और कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाकर यहाँ पर उनका एक तरह से छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया। हमारे साथ अर्चना है। अर्चना, आप बताइए अपने बारे में और क्या काम करती हैं, क्या कैसे, कितने लोग? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना कुमारी कुशवाहा है। हम मतलब पहले पिछले 10 वर्षों से सूरत में रहते थे, तो जब कोरोना काल लग गया तो वहाँ सारा मार्केट बंद हो गया था और हम वहीं काम करते थे सूरत में अपने पति के साथ में। तो जब सब मार्केट बंद हो गया तो हम लोग घर अपने वापस लौटे। जब घर वापस लौटे तो जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम सर कुंदन कुमार सर है, उनसे क्वारंटाइन सेंटर में हमसे मुलाकात हुई। तो स्किल मैपिंग के तहत सर हम लोग से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या काम करते हैं लोग, तो सब हम लोग अपने बारे में सब परिचय दिए। तो फिर सर ने बोले कि अगर हमको आपको सारी सुविधा देंगे तो क्या आप सूरत जाइएगा? तो हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम क्यों सूरत जाएंगे, हम यहीं काम करेंगे। तो हमें पहला मीटिंग रखा गया था 26 जून को। उस समय पूरे बैंकर्स भी थे और पूरा जिला प्रशासन के टीम भी थे। तो उसी मीटिंग में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख रुपया फाइनेंस मिला, जिससे आज हम अपना चनपटिया में हम काम कर रहे हैं। आज हम 3 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेरे जिला प्रशासन के तरफ से मतलब डीएम सर का काफ़ी सहयोग है और हमें अभी तक बहुत मदद करते हैं। टर्नओवर क्या है मेरा? तो अभी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। कितने लोग काम करते हैं और क्या काम होता है? मेरे यहाँ अभी तो 25 से ऊपर ज्यादा लोग काम करता है लोग जी। क्या 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 काम होता है? साड़ी लहंगा बनता है, स्टोनिंग का काम होता है, धागा कटिंग का काम होता है, मतलब टोटल काम यहीं से फिनिश होके तो बाहर मार्केट में सेल होता है। और क्या मार्केट क्या है, कितना? मार्केट तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मतलब यहाँ के लोगों को पसंद आता है? हाँ जी जी, पसंद नहीं आता तो फिर इतना साड़ी बनता थोड़े ही सर। तो मतलब कितना प्रॉफिट कितना होता होगा? अभी हम लोग मतलब कम ही रेंज लेके प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, 5-10 रुपया प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर लोगों को सस्ता नहीं देंगे तो फिर लोग यहाँ से नहीं ले जाएगा लोग जी। तो ये केवल लोकल मार्केट में जाता है या बाहर भी जाता है? लोकल मार्केट में भी जाता, पर हम अपने पूरे बिहार लेवल पर काम कर रहे हैं और मतलब और बाहर भी जाता है। ये सब क्या? ये सब मशीनें हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी होता है, साड़ियाँ बनती है। अच्छा जी, ये सब आप खरीदे? ये हाँ जी। अच्छा, और ये सब महिलाएं स्टोन लगा रही हैं। इनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ा? हाँ, या जी, हम इन लोगों को खुद यहाँ ट्रेनिंग किए हुए हैं, इन लोगों को हम ट्रेन किए हैं तो आज ये लोग अपना काम कर लेता है लोग। अच्छा जी, आपकी तरह और कितने लोग हैं जो यहाँ? अभी 57 यूनिट चलता है। फुटवेयर बनता है, बर्तन बनता है, ट्रैक सूट बनता है, मच्छरदानी, नाइटी, सब चीज़ यहाँ टोटल मतलब A to Z सब यहाँ बनता है। अच्छा, दिखाई तो ये सब क्या है? ये सब फिनिश्ड है? नहीं, ये सब साड़ियाँ है, बन के रखा हुआ है, अभी ये सब धागा कटिंग होगा, अभी इसमें काम बाकी है। मशीन चलवाई ना, कोई दिक्कत नहीं? मशीन चला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमें गार्ड की भी व्यवस्था मिला है, यहाँ सफाई कर्मी भी आती है, लाइट की भी 24 घंटा व्यवस्था है जी। पावर ओवर का? नहीं नहीं, कोई चीज जाने का मन नहीं करता? नहीं, सूरत नहीं जाना है। सोचे थे कि आप नहीं थे? नहीं, हम तो कभी नहीं सोचे थे, पर मेरे डीएम सर हम लोग को इस लायक पहुंचा दिए कि इंसान कभी सोच के भी नहीं इस मुकाम तक पहुंच पाता। नहीं, आपको लेकिन लगता है कि बिहार में अगर ऐसा सुविधा रहे तो कोई किसी जी, को माइग्रेट करे? अगर देखिए, अगर हर एक जिले में ऐसा काम हो तो बिहार के लोग पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हर एक जिले में अगर बाहर जो जाता है वो बिहार के लोग ही जाकर बाहर में काम कर रहा है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हर एक जिले के अगर मेरे डीएम सर जैसे वो भी अपने जिले में काम करे तो बिहार बिहार जैसा नहीं रहेगा जी।